नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका के बीच में खेला जाएगा एशिया कप के मुकाबले, उसको लेके हम डिटेल्स में देखेंगे और परखेंगे, फिर हम बात करेंगे अपनी फैंटेसी टीम को लेकर। लास्ट मैच अफगानिस्तान वर्सेज कौन सी टीम थी बताया आपको, बांग्लादेश, जहां पे हमारे कैप्टन थे मेहदी हसन मिराज और उन्होंने लगा दिए थे सेंचुरी। किसी को पता भी नहीं था कि वो सेंचुरी लगाने वाले हैं सिवाय पीआर फैमिली के, और उसने पीआर फैमिली को वन साइडेड विन करवाया। इस मैच में कौन हमारे लिए मेहदी हसन मिराज वाले काम करेंगे, उसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो को देखना होगा। अब आइए हम स्क्रीन पर चलते हैं। ये मुकाबला खेला जाएगा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, जो कि एक अच्छा विकेट आपको मतलब बैटिंग के अनुसार एक आप अच्छा विकेट प्रेडिक्ट करके चल सकते हो। मुकाबला खेला जाएगा शाम के 3 बजे से। आपको फाइनल टीम के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करने होंगे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम कर लेना है, चले जाना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां पे जाने के बाद आपको दिखेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और सीधा सा लैंड कर जाइए टेलीग्राम चैनल के ऊपर, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। इसी वीडियो के चले जाने हैं कमेंट सेक्शन में, वहां पे जाने के बाद आपको सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और सीधा सा लैंड कर जाइए टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आफ्टर टॉस जो भी फर्दर अपडेट्स आएंगे वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेंगे। और ध्यान रखिएगा, गिव अवे हमारा जो चल रहा है कमेंट सेक्शन वाला, वो क्या है उसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एशिया कप फाइनल मैच जब कंप्लीट हो जाएगा, तो जिस किसी भाई ने हमारे सभी वीडियो को जो एशिया कप का मैंने वीडियो दिया है उसको लाइक किया होगा और साथ में कमेंट में बताया होगा कि एशिया कप का फाइनल कौन जीतने वाला है, उनमें से किसी दो भाई को मिलने वाले हैं 5000 मीन 10000 बीच मिलेंगे बिल्कुल रियल कैश फोन पे के थ्रू। ध्यान रखिएगा, टर्म्स एंड कंडीशन बस एक है, वीडियो आपको जो भी मैं एशिया कप का देता हूँ उसको कंप्लीट देखना होगा, साथ में लाइक कर देने होंगे वीडियो को, कमेंट में जाके बताने होंगे एशिया कप चैंपियन कौन सी टीम बनेंगी, और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लेने होंगे। एक तो आपको गिव अवे मिल जाएंगे, दूसरा जो डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेगा वो कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आइए हम बात करते हैं इस वीडियो में किन किन सेक्शन के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मैच डिटेल्स, फिर हम देखेंगे पिच रिपोर्ट, लास्ट मैच देखेंगे, प्लेयर स्टैट्स देखेंगे, वेन्यू स्टैट्स, रिसेंट फॉर्म, हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ साथ हम देखेंगे स्मॉल लीग और जीएल के कॉम्बिनेशन। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात, हमारे चल रहे हैं लीग 11 के ऊपर एक लीडर बोर्ड, जहां पे आपको मिलेंगे सीधा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में देखने का मौका, साथ में रहेंगे प्रेडिक्शन राजा भाई और भी बहुत सारे एक्सपर्ट से मैं आप लोगों को रूबरू मिलवाऊंगा, और मिलेंगे 25000 रुपीज बिल्कुल रियल कैश कहां पे लीग 11 पे चल रहे हैं एक प्रेडिक्शन राजा लीडर बोर्ड, राजा 11 करके अगर आप लीडर बोर्ड में जाओगे सेक्शन में लीग 11 के ऊपर तो आपको दिख जाएगा। अगर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको लीग 11 का जो इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड है वहां पे अच्छे रैंक मिल जाएंगे, फिर प्रेडिक्शन राजा का जो लीडर बोर्ड चल रहा है लीग 11 के ऊपर वहां पे आपको अच्छे रैंक मिल जाएंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे गैजेट्स और मुझसे मिलने का मौका 25000 रियल कैश, और मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको मिलूंगा कहां पे बताए, जो मुकाबला होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गुजरात में, हॉस्पिटलिटी टिकट में उसका दिलवाऊंगा आपको, आने जाने की पूरा खर्च मेरे तरफ से, साथ में मिलेंगे, साथ में बातें होंगी ढेर सारी फैंटेसी से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें होंगी। तो अगर आपने अभी तक लीग 11 को डाउनलोड नहीं किया, मैं कहां पे गुम हो, अब भी जाओ लीग 11 को डाउनलोड करो। अगर आपने किसी और के लिंक से डाउनलोड कर लिए तो हमारे लिंक से आप डाउनलोड करोगे तभी आप एलिजिबल होगे कहां पे, लीग 11 प्रेडिक्शन राजा लीडर बोर्ड में टॉप करने का, तभी आपको अवसर मिलेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आइए हम बात करते हैं वेन्यू पे कैसे क्या स्टैट्स है। अगर हम बात करेंगे एवरेज स्कोर को लेकर, आपको देखने को मिल जाएगा 270 से 280। अब आप लोगों में से बहुत सारे भाई का एक शिकायत रहता है कि राजा भाई, जब आपके पास इतना प्यारा सा चीज है, इससे आप जो है यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, आप यहाँ पे उंगली का सहारा क्यों लेते हो? तो दोस्तों, पता नहीं मुझे क्यों इससे थोड़ी सी एलर्जी है, जब मैं इसको यहाँ पे करता हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा जो है मतलब कह सकते हो कि अनकंफर्टेबल की तरह फील होती है, इस वजह से मैं इसको ना सहारा लेते हुए मैं इसको रख देता हूँ बोर्ड पे और मैं आप लोग को यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो फिंगर के सारे बताने लगता हूँ। तो यही आप लोगों में कुछ बैक मैं को देख रहा था कमेंट सेक्शन में, राजा भाई आप पेंसिल का यूज़ क्यों नहीं करते हो? तो उसका बस यही उदाहरण है कि मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ। अब सुइटेबल किसको लेके बात कर लेंगे, पिच सुइटेबल किसके लिए होंगे, बैलेंस विकेट आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर पेसर्स, स्पिनर्स, बल्लेबाज तीनों डिपार्टमेंट के लिए ठीक ठाक मदद होंगी। वेन्यू ओडीआई स्टैट्स को लेकर बात कर लेंगे, इस वेन्यू के ऊपर टोटल 64 मुकाबला खेला गया, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है 33, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है 30, और अगर हम बात कर लेंगे ओडीआई स्कोरिंग पैटर्न को लेकर, जो कि आपको इस चैनल के अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, वहां पे देखिएगा बिलो स्कोर 200 बने हैं 11 दफा, 200 से लेकर 249 बने 19 दफा, फिर 250 से लेकर 299 बने हैं 22 दफा, और 300 से ऊपर बने हैं 12 दफा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्कोर नॉर्मली इस दोनों के बीच में रही है, मतलब
200 से लेके 299 के बीच में आपको टारगेट बनते दिखेंगे। अब आइए हम बात करते हैं रिसेंट मैच को लेके, इस वेन्यू के ऊपर जो खेला गया 3 सितंबर 2023 को एक मुकाबला खेला गया था, जहां पे बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी करते बोर्ड पर लगाई थी 334 रन, जहां पे हमारे कैप्टन थे मेहंदी हसन मिराज और हमने वहां पे वन साइडेड सारे कंटेस्ट विन किए हुए थे। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे सारा प्रूफ भी दे दिए हैं। और दोस्तों पीआर फैमिली का भी चल रहा है जैकपॉट सा दिन, जहां पे हम लोगों ने लास्ट के 12 में से तकरीबन मुझे लगता है 11 मुकाबला विन किया। अगर आप अभी जो इंडिया वर्सेज आई थिंक यहां पे नेपाल के मुकाबले चल रहे हैं उसको अगर छोड़ दोगे, इस मैच में अभी क्या होगा, शुभम गिल हमारे कैप्टन है, रोहित शर्मा हमारे वीसी हैं, ये दोनों अगर चाह खेल जाते हैं तो ये भी हमारा क्लीन स्वीप चला जाएगा। इससे पहले 12 मुकाबला हम लोगों ने जो रिसेंटली खेले वहां पे 11 क्लीन स्वीप, वो भी छोटा बड़ा नहीं, मिनी जीएल सब हमारा आता हुआ दिख रहा है। अब अफगानिस्तान की टीम 245 की थी 10 विकेट के नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग में बात करेंगे, पेसर्स को 1 विकेट मिला था, सेकंड इनिंग पेसर्स को 8 विकेट, फर्स्ट इनिंग स्पिनर को मिला था 1 विकेट और सेकंड इनिंग स्पिनर को मिला था 1 विकेट। देन आफ्टर एक मुकाबला हुआ था 2 अप्रैल 2022 को, जहां पे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पे लगाए थे 210 रन 10 विकेट के नुकसान पे, पाकिस्तान की टीम 214 रन महज 1 विकेट के नुकसान पे चेस कर लिए थे। अब फर्स्ट इनिंग स्पिनर को मिले थे यहां पे 2 विकेट, पेसर्स को मिले थे 8 विकेट, सेकंड इनिंग में पेसर्स को मिला था 1 विकेट, स्पिनर ले गए थे 0 विकेट। उसके पहले एक मुकाबला हुआ था 31 मार्च 2022 को, जहां पे ऑस्ट्रेलिया की टीम बोर्ड पर लगाई थी 348 रन 8 विकेट के नुकसान पे, जब पाकिस्तान की टीम 49 ओवर में टारगेट को चेस डाउन कर ली थी। यहां पर अगर ध्यान दोगे तो पेसर्स को मिले 6 विकेट फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग 2 विकेट, सेकंड इनिंग स्पिनर 2 विकेट और स्पिनर को यहां पे मिले थे 2 विकेट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पेसर्स को एज कम्पेयर टू स्पिनर्स यहां पे अच्छे खासे मदद मिल रहे हैं। अगर हम बात करेंगे एवरेज, अगर हम देखेंगे पेसर्स वर्सेज स्पिन लास्ट 4 ओडीआई मैच में, तो पेसर्स के खाते में गए हैं 30 विकेट और स्पिनर के खाते में गए टोटल 20 विकेट, मतलब 60% विकेट लिए हैं पेसर्स और 40% विकेट लिए हैं स्पिनर। अब आइए हम बात करते हैं हेड टू हेड मैच को लेकर। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अफगानिस्तान और सामने वाली जो टीम होंगी लंका, वो दोनों टोटल 10 दफा आमने सामने आए हैं, जहां पे अफगानिस्तान 3 और लंका 6 दफा विन किए हुए, एक दफा नो रिजल्ट रहा है। अगर हम बात करेंगे अफगानिस्तान का लास्ट 5 ओडीआई मैच को लेके, लॉस 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 करके आ रही है, वही लंका को लेके बात कर लेंगे सीधा उल्टा विन 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 करके आ रही है। अब ये हम बात करते हैं अफगानिस्तान के पॉसिबल प्लेइंग 11 आपको देखने को क्या मिल जाएगा। ओपन करके दिखेंगे गुरबाज के साथ जदरान, फिर आपको दिख जाएंगे रहमत शाह, शाहिदी, उसके अलावा आपको दिख जाएंगे नजीबुल्ला, जदरान, पता नहीं पिक लग गया इकरम अली खिल का, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नईब, देन आफ्टर आपको दिख जाएंगे यहाँ पर करीम जनात, देन आफ्टर राशिद खान, फजल फारूकी और मुजीबुर रहमान। अगर गेंदबाजी पैटर्न को लेकर बात कर लेंगे, मुजीब का 10 ओवर, फारूकी का ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 10 ओवर, राशिद खान का 10 ओवर, उसके अलावा नबी का 10 ओवर, 40 ओवर ये चार मिलकर डालेंगे, फिर 4 से 5 ओवर करीम जनात, 4 से 5 ओवर जाएंगे गुलबदीन नईब के खाते में। अगर इनमें से किसी का दिन बुरा होता है तो कुछ ओवर और ऐड हो जाएंगे गुलबदीन नईब के खाते में। अब आइए हम बात करते हैं प्लेयर स्टैट्स को लेके। हम सबसे पहले देखेंगे इस टीम के सबसे बड़े प्लेयर रामोला गुरबाज को लेके। अगर इनका हेड टू हेड बात करेंगे 6 मुकाबला 150 रन, वेन्यू पे 1 मुकाबला में 1 रन है, ओडीआई के 24 मुकाबले में इनका एवरेज जो है 42 का है, रिसेंट फॉर्म 1/5 151/18/19। अगर हम बात करें इनके नीचे इस टीम का सबसे सॉलिड प्लेयर, सबसे बड़ा प्लेयर और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि सिर्फ इस टीम का नहीं वर्ल्ड क्रिकेट में भी इब्राहिम जदरान का एक अच्छा नाम हो सकता है। हेड टू हेड 6 मैच में 452 रन, वेन्यू 1 मैच में 75 रन, ओडीआई में 17 मैच में देखिएगा 55 का एवरेज, रिसेंट फॉर्म 75/0/80/0/22 और सामने वाली लंका टीम को बेहद पसंद करता है कौन, इब्राहिम जदरान। फिर आ जाएंगे इधर से रहमत शाह, इस टीम के सॉलिड बैट्समैन में से एक कुछ टाइम पहले तक कहला रहे थे, लेकिन पता नहीं रिसेंट फॉर्म इनका उतना अच्छा नहीं है। हेड टू हेड देखोगे 8 मैच में 304 रन, ओडीआई 95 मैच में 37 का एवरेज है, रिसेंट 33 रन 0 रन 1 विकेट 0/2/8। फिर आपको दिख जाएंगे हसमतुल्ला शाहिदी, वेन्यू 1 मैच में 51 रन, ओडीआई 62 मैच में इनका 32 का एवरेज है, रिसेंट फॉर्म बात करेंगे 51/13/15/0/22। फिर आपको दिख जाएंगे नजीबुल्ला जदरान, जब भी इस टीम को हार्ड हिटर बल्लेबाज की जरूरत पड़ेगी ये याद करेंगे नजीबुल्ला जदरान को, ओडीआई में 30 का बैटिंग एवरेज है, रिजल्ट 17/10/10/10, पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है लेकिन रिसेंटली इनका काम उतना अच्छा नहीं चल रहा है। मोहम्मद नबी इस टीम के बहुत पके हुए चावल है, बेहतरीन प्लेयर, गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो सभी जगह से अच्छे खासे पॉइंट निकाल कर देते हैं, वेन्यू भी 1 मैच में 3 रन है, ओडीआई में अगर बात करेंगे तो इनका 27 का एवरेज है और 145 मैच में 154 विकेट है इनके पास, रिसेंट फॉर्म 3 रन 0 विकेट 3 रन 0 विकेट 29 रन 2 विकेट 7 रन 2 विकेट और 1 विकेट इन्होंने लिया हुआ है। एक और बेहतरीन से प्लेयर रिसेंटली इनका फॉर्म बेहतरीन चल रहा है, चाहे जो डोमेस्टिक मैच हो या फिर इंटरनेशनल के मैचेस हो, ओडीआई के 77 मुकाबले में 20 का एवरेज, 97 विकेट, इस सेक्शन पर ऊपर ध्यान दीजिए, 77 मैच 97 विकेट, मतलब 1 विकेट का गेंदबाज है,
वेन्यू भी एक मैच में 15 रन एक विकेट, हेड टू हेड 6 मैच में 83 रन 6 विकेट, रिसेंट फॉर्म 15 रन एक विकेट, 0 रन 2 विकेट, 20 रन एक विकेट, 2 विकेट 0 विकेट। फिर आपको दिख जाएंगे करीम जन्नत, एक ऐसा प्लेयर या तो भैया कुछ नहीं करेंगे या फिर गुच्छे में विकेट लेके जाएंगे और नॉर्मली डेथ में भी गेंदबाजी करने आ जाते हैं, कभी कभार हेड टू हेड नहीं खेले। वेन्यू एक मैच में 0 विकेट, ओडीआई 2 मैच में 10 रन 0 विकेट, फिर आपको दिख जाएंगे रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 4 रन एक विकेट, 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, 60 रन और एक विकेट। फिर आपको दिखेंगे राशिद करामती खान, इस टीम का सबसे सॉलिड प्लेयर दिख जाएंगे। वेन्यू पे एक मैच में 0 विकेट, हेड टू हेड 6 मैच में 9 विकेट, ओडीआई 92 मैच में 170 विकेट, फिर आपको दिख जाएंगे रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 1 रन एक विकेट, 0 विकेट 2 विकेट 3 विकेट। अगर पिच में स्पिनर्स के लिए थोड़ा सा भी मदद हुआ तो आपके लिए पॉकेट रॉकेट साबित होंगे राशिद खान, कैप्टन बीसी देकर चल सकते हो। फिर आपको दिख जाएंगे फजल अक फारूकी साहब, हेड टू हेड 6 मैच में 6 विकेट, वेन्यू 1 मैच में 0 विकेट, ओडीआई 19 मैच में 32 विकेट, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट और 3 विकेट। फिर आपको दिखेंगे मुजीबुर रहमान, हेड टू हेड 8 मैच में महज 4 विकेट, ध्यान रखिएगा। वेन्यू पे 1 मैच में 1 विकेट, ओडीआई 64 मैच में 91 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट 64 रन 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट और 1 विकेट। अब रिसेंटली मुजीबुर रहमान के साथ एक चीज जुड़ गया है, वो क्या कि बल्लेबाजी से भी काम करना जान गए। पिछले मैच में इन्होंने लगाया था 6 रन के लिए शॉट, बॉल गई थी छक्का, लेकिन बेचारा हो गया ढीड विकेट। इससे पहले भी जो मुकाबला इनका हुआ था वहां भी इन्होंने आई थिंक अगर मैं सही हूं तो लगा देते चौका पाकिस्तान के साथ और वो भी हिट विकेट हो गए थे। तो मुझे लगता है कि इनके साथ हिट विकेट का कोई ना कोई इशू चल रहा है। अगर हम बात करेंगे बेंच पे, रियाज हसन, अब्दुल रहमान, सरफुद्दीन अशरफ, एमडी सलीम साफी, नूर अहमद और आपको दिख जाएंगे इकरम अली खिल। अगर इनमें से कोई खेलते हैं तो इनका मैंने रिसेंट फॉर्म यहाँ पे लिख दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप बैक करके चल सकते हो। अब दोस्तों आइए हम बात करते हैं स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर्स को लेके। ये सेक्शन अगर आपने पकड़ बना ली और आपके अकॉर्डिंग अगर टॉस आपको फेवर कर गए तो मिनी जीएल जीएल आपके आराम से लग जाएंगे, क्योंकि अगर ये टीम पहले बॉलिंग करता है तो कुछ भी हो जाए इस टीम में से कम दो आपके पास होना ही चाहिए। स्टार्टिंग ओवर्स फजल फारूकी, गुलबदीन नए, मुजीबुर रहमान, चांसेस इन दोनों के ज्यादा होंगे। फिर फजल फारूकी, गुलबदीन नए, राशिद खान या फिर इनके अलावा कोई और पेसर्स होंगे लाइक करीम जन्नत या फिर सलीम साफी वगैरह को ये लोग बैक करते हैं तो वो आपको दिख सकते हैं डेथ में गेंदबाजी करते हुए। आप लोगों का लगातार एक मैसेज मैं देख रहा था कि राजा भाई प्लेयर बैटल भी दिया करो, तो आप लोगों का रिक्वेस्ट और प्रेडिक्शन था जमा कर, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए आपके सामने मैंने कुछ प्लेयर का प्लेयर बैटल दिया हुआ है। रामुल्ला गुरबाज, रजिता के सामने 73 बॉल इन्होंने खेले, 54 रन के 3 दफा इन्होंने अपना विकेट फेंका है। धनंजय डिसिल्वा के सामने 19 बॉल खेले, 12 रन एक दफा विकेट फेंका है। रेमत शाह, रजिता का जो है 54 बॉल खेले, 38 रन एक विकेट। ठिकसाना का 38 बॉल 34 रन एक विकेट। अख्तर पाथियाराना का 21 बॉल 11 रन एक विकेट। मोहम्मद नबी, कसुन रजिता 26 बॉल 34 रन 3 विकेट, ठिकसाना 23 बॉल 25 रन एक विकेट। मतलब अगर आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस किया होगा तो रजिता का हर जगह नाम दिख रहा है, तो आपके लिए मिनी जीएल जीएल में कैप्टन विजी के भी एसेट्स हो सकते हैं। इस मौली की टीम में तो होना ही चाहिए। क्या पिछले सीजन की तरह इस बार भी लंका की टीम बन पाएंगी चैंपियन? क्या ये कुछ ठोस डिसीजन यहाँ पे लेके जाएंगी? आई मीन की कोरोनाटने के जगह पे क्या इनको कुशल परेरा को लेना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल जो मुझे लगता है कि पॉसिबल प्लेइंग 11 ऐसा रह सकता है, दिमुथ कोरोनाटने, निशंका, कुशल मेंडिस, तदिया समर विक्रमा, चैत असलंका, दसुन सनका, धनंजय डिसिल्वा, डी विला लगे, कसुन रजिता, महेश टिकसाना और आपको दिख जाएंगे मथिसा पाथिया राणा। गेंदबाजी को लेकर बात कर लेंगे, 10 ओवर और यहां से मोस्ट प्रोबेबली 8 से 10 ओवर धनंजय डिसिल्वा का, तो मतलब ये 40, इधर से दुनित विला लगे को 8 से 10 ओवर करना चाहिए। इनका 2 से 3 ओवर और इनका 2 से 3 ओवर करके 3 से 5 ओवर जा सकता है दसुन सनका के पास, ध्यान रखिएगा ऐसा कुछ गेंदबाजी इस पर डालेंगे ये लोग। अब भाई हम बात करते हैं एक टेस्ट के बेहतरीन बल्लेबाज में से एक, दुमित कोरोनाटने, ओडीआई में उतनी सफल नहीं है, 45 मैच खेल चुके हैं, मैच 34 का एवरेज है, रिसेंट फॉर्म 1.83/33.37। उसके अलावा ध्यान रखिएगा सामने कौन होंगे नया बॉल से, मुजीबुर रहमान जो लेफ्टीज को देखना नहीं चाहते। फिर आपको दिख जाएंगे निशंका, हेड टू हेड में इनका 45 का एवरेज है, वेन्यू पे इन्होंने एक भी मुकाबला नहीं खेले, ओडीआई में 35 मैच में 40 का एवरेज और इस टीम के सबसे सॉलिड प्लेयर में से एक, रिसेंट में देखोगे 14-23, 104, 101 और 0 रन। फिर दिखेंगे सॉलिड से प्लेयर कुशल मेंडिस, हेड टू हेड में 26 का एवरेज, ओडीआई में 31 का एवरेज, रिसेंट फॉर्म 5-43, 34-25-10। देन आफ्टर दिख जाएंगे रिसेंट स्टार सदीरा समर विक्रमा, डोमेस्टिक में खूब रन बटोरे हैं, हेड टू हेड में देखोगे तो इन्होंने एक भी दफा नहीं, 2 मैच में 44 रन किए हुए हैं, ओडीआई में 32 का एवरेज है, रिसेंट फॉर्म देखोगे 54-19-17, डू नॉट बैट और 1 रन किए हुए हैं। देन आप आपको दिखेंगे चरित असलंका, अगर यहाँ पे इनकी पहले आती है बैटिंग आपके लिए अच्छे पिक हो जाएंगे, टैलेंटेड बल्लेबाज हैं। ओडीआई में देखिए 36 मैच में 42 का एवरेज, हेड टू हेड 6 मैच में 34 का एवरेज, रिसेंट फॉर्म 62-36, डू नॉट बैट 2-63-38। दिक्कतें होंगी जब ये बल्लेबाज करेंगे, सामने होंगे राशिद करामती खान। दसुन सनका को लेकर बात कर लेंगे, हेड टू हेड में 7 मैच में 99 रन एक विकेट, ओडीआई में 62 मैच 23 का एवरेज 24 विकेट, रिसेंट फॉर्म 14-1,
एक विकेट 5 रन और 1 विकेट। फिर आपको दिखेंगे धनंजय डिसिल्वा, हेड टू हेड में 8 मैच 124 रन 5 विकेट। वेन्यू फिर अगर आप ध्यान दोगे एक भी मुकाबला नहीं खेले हैं, ओडीआई में 77 मैचेस में 28 एवरेज है, 42 विकेट है। रिसेंट में देखोगे 2 मैच 2 रन 1 विकेट 4 रन 0 विकेट 93 रन 0 विकेट 23 रन 0 विकेट। पहले बल्लेबाजी अगर लंका की आती है तो फिर आपके लिए कैप्टन विजी के अच्छे भी हो सकते हैं, दुनित विल्ला लगे टैलेंटेड पैकेज है। रिसेंटली अगर देखोगे 10 मैच में 10 विकेट इन्होंने लिए ओडीआई में रिसेंट, 1 विकेट 3 रन 32 रन 0 विकेट 0 रन 0 विकेट 31 रन 0 विकेट। वेन्यू पे नहीं खेले हैं। फिर आपके सामने होंगे कसुन, दमदार, रजिता। हेड टू हेड देखिएगा 5 मैच में 9 विकेट, ओडीआई के 25 मैच में 31 विकेट। रिसेंट फॉर्म 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। फिर आपको दिखेंगे एम थिक्साना, हेड टू हेड 5 मैच में 5 विकेट, ओडीआई के 23 मैच में 28 विकेट। रिसेंट फॉर्म के ऊपर ध्यान दीजिए 2 विकेट 4 विकेट 4 विकेट 4 विकेट 28 रन 3 विकेट। मतलब कैप्टन वीसी अच्छा हो तो थिक्साना को देके चल सकते हो। फिर आपको दिख जाएंगे मतीसा पाथियारन, अगर लंका की टीम की पहली आती है गेंदबाजी आपके लिए कैप्टन विजी के ये भी अच्छे एसेट्स होंगे, डेथ में अच्छा खासा ओवर डालते हैं। ओडिया के 5 मैच में लिए 8 विकेट, रिसेंट में 4 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, हेड टू हेड में 1 मैच में 1 विकेट। अब बेंच पे होंगे परेरा, चंबिका गुरुरत्ने, डी हेमंता, बी फर्नांडो और प्रमोद मधुसन। अगर इनमें से कोई प्लेयर खेलते हैं तो आपके सामने रिसेंट स्टेट्स होंगे, इसके अकॉर्डिंग आप बैक करके चल सकते हो। अगर हम बात करेंगे स्टार्टिंग ओवर्स को लेकर आपको दिख जाएंगे रजिता, फिर थिक्साना और सामने से आपको दिख जाएंगे धनंजय डिसिल्वा, इनके चांसेस इस मैच में थोड़े से कम नजर आ रहे हैं। फिर अगर बात करें डेथ में दुनित विल्ला लगे, चांसेस थोड़े से कम है, कसुन, रजिता, पाथियाराना और मैंने कई दफा देखा है दसुन सना का भी डेथ में गेंदबाजी करने अपने को लेके आ जाते हैं, प्लस महेश थिक्साना का भी नाम आप लोग याद रखिएगा, वो भी डेथ में अच्छे खासे स्पीड डालने आ जाते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्लेयर बैटल को लेके, पी निशंका को लेके बात कर लेंगे। राशिद खान का इन्होंने 30 बॉल खेला है, 27 रन 1 विकेट। फिर मुजीब को लेके बात कर ले पी निशंका के सामने, तो पी निशंका ने मुजीब का 78 बॉल खेले 65 रन 3 विकेट। फिर मोहम्मद नबी का 18 बॉल खेले 21 रन 1 विकेट। अगर हम बात कर लेंगे कुशल मेंडिस को लेकर, राशिद खान का 21 बॉल खेले 21 रन 2 विकेट। फिर फजल फारूकी का 46 बॉल खेले 29 रन 2 विकेट। देन आफ्टर धनंजय डिसिल्वा को लेकर बात कर लेंगे, नबी का 56 बॉल खेले 42 रन 3 विकेट। फिर धनंजय डिसिल्वा जो है राशिद खान का 7 बॉल खेले 4 रन 1 विकेट। नबी का 23 बॉल खेले 17 रन 1 विकेट। तो इन प्लेयर बैटर्स में आपको दो चीज ध्यान में रखना होगा, कौन? राशिद खान, नबी, राशिद खान, नबी, फिर यहाँ पे नबी, राशिद खान। तो राशिद खान अभी आपके लिए क्वालिटी वाले पिक इस मैच में बनने वाले हैं। अब बात आती है फैंटेसी टीम को लेकर, हमारी फैंटेसी की टीम इस मैच में क्या बनने वाली है, तो ध्यान रखिएगा ये हमारा बस एक डेमो का टीम होगा। फाइनल टीम में जो भी बदलाव होंगे वो मैं अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अभी जो मैंने विकेट के पीछे लिए उनका नाम है चरित असलंका, सॉरी विकेट के पीछे नहीं, मैंने विकेट के पीछे कुशल मेंडिस को अपनी टीम में जगह दिया, फिर मैंने बैटिंग सेक्शन से जगह दी चरित असलंका को, देन आफ्टर हमने लिए इब्राहिम जदरन, पी निशंका को, फिर मोहम्मद नबी, धनंजय डिसिल्वा, राशिद खान, कसुन, रजिता, फजल फारूकी, थिक्साना और पाथियाराना को मैंने अपनी टीम में जगह दिया हुआ है। अब बात आती है कि राजा भाई आप हमेशा से 5 कैप्टन वीसी के नाम बताते थे, वो बता दो जिसको मैं मिनी जीएल में दूं और वैसे 49 में 1 करोड़ लेके आ जाऊं। तो वो 5 वीसी जो मैं आपको बताऊंगा कैप्टन वीसी जिसको आप लोग आपस में रोटेट कर सकते हो, पहला नाम निकल के सामने आता है पी निशंका, दूसरा कुशल मेंडिस, इन दोनों को तो रखना ही है, 1 2 निशंका 3 मेंडिस 4। और मैं आपको बोलूंगा इस पिच पे स्टैट्स लाजवाब है नबी का भी, इस पिच पे नहीं मींस आपसी स्टैट्स इनका भी अच्छा है, प्लेयर बैटल में इनका स्टैट्स अच्छा है। तो इन 5 को आप लोग रोटेट करके मिनी जीएल में अच्छा खासा रैंक लेके आ सकती हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और शानदार तरीके से ग्रैंड लीग मिनी जीएल जरूर जीतिए। धन्यवाद।